हम समझेंगे और भी इस पूरे चारों विधानसभा के समीकरण को। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, जो वहाँ पे मतदाता हैं, वोटर हैं, उनके साथ उपस्थित हैं। वहाँ के क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या चल रहा है वर्तमान में, चूंकि 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, वर्तमान में क्या चल रहा है? विजय जी, अभी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, स्थानीय मुद्दे भी क्या क्या हैं, हम दोनों को समझेंगे। जी धन्यवाद बिल्कुल विजय जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो दमोह विधानसभा क्षेत्र है ये लगातार भाजपा की कब्जे में रहा है, लेकिन पिछले बार जब कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में राहुल सिंह को टिकट दिया था तो उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता जो वित्त मंत्री भी रहे हैं उनको हरा कर दिया, सीट कांग्रेस के पक्ष में डाली थी, लेकिन उनके पाला बदल कर भाजपा में चले जाने के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस के ही अजय टंडन ने उनको करीब 17,500 वोटों से हराया था। यहाँ पर मुझे लगातार वही है, रोजगार के साधन आज भी उपलब्ध नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, एकमात्र फैक्ट्री दमोह जिले में है वो है नरसिंहगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री है, वहां एक फैक्ट्री पूरे जिले में है और उद्योग का कोई ऐसा साधन नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और वजह यही रही थी कि गांव देहात के जो लोग रहते हैं वो काम की तलाश में दूसरे शहरों में बड़े शहरों से प्लान कर जाते हैं। और भी कई मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर है, जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई थी लेकिन काम आज भी चालू नहीं हुआ है। और देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी मना कोई फैक्ट्री है ना, कोई ऐसे साधन है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही शिक्षा के मामले में कहा जाए तो ऐसा अभी तक अगर देखा जाए तो जयंत मलैया का जो मतलब महाविद्यालय है विश्वविद्यालय है वही मात्र एकमात्र बड़ी शिक्षा संस्थान कहलाई और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों की एक मानसिकता है कि यहाँ से जो भी करें और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद है जो खुद बता सकते हैं कि आखिर यहाँ दमोह में किस किन चीजों की कमी है, क्या यहाँ के मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेके, चाहे वो दमोह विधानसभा हो या अन्य विधानसभा। सबसे पहले जो मैं संपूर्ण पार्टियों को भी दुर्भाग्य होती है वहाँ वर्तमान में देख रहे हैं चुनाव जिसका यदि आप लोगों विधानसभा से बात करते हो तो आप ना तो यहाँ पर शिक्षा की कोई बड़ी उपलब्धि हो पाई है, यहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की यदि आप बात करें तो केवल भवन बना देने की समृद्ध सफल नहीं होती, आसपास के अस्पताल का आलम देखिए डॉक्टरों की कमी है, इसकी वजह से हमारे दूर दराज के जो लोग आते हैं और नेटवर्क को टक्कर दिया जाता है। कठोर मुद्दे हैं जिन पे ये निर्भर करता है, शिक्षा रोजगार और हर चीज ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके लोग भी परेशान हैं। आप भी बता सकते हैं आखिर क्या वजह है कि दमोह क्षेत्र का विकास नहीं हो पाए और आज वर्तमान में जो चुनाव है ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जनता वोट डालेगी? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं पिछले वर्षों में उनकी राजनीतिक जो क्या बोलते मनोदशा है या अपने क्षेत्र के प्रति विकास करने की वो बिल्कुल नहीं रही, वो अपने खुद के विकास के लिए काम करते रहे हैं। अब रही प्राथमिक या सुविधाओं की तो बिजली यदि आजादी के 70 साल बाद भी हम सड़क और बिजली और पानी के लिए रो रहे तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज जरूरत है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की, आज जरूरत है उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा की, आज जरूरत है उच्च गुणवत्ता की हमारे न्याय के लिए रोजगार की, तो ये सारे हमारे दमों में ये बहुत गहन मुद्दे हैं। जैसे कि आज दमों में हमारे आज देखिए कि सारे दमों शहर के गांव देहात के लोग पलायन कर जाते हैं, आज यहाँ मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है, रोजगार तो छोड़िए रोजगार तो अलग बात है मजदूरी भी उपलब्ध नहीं।